भाई प्लीज। ओ ये कौन है? ये भी डरावना है क्या? ओ नहीं, ये कौन आ रहा है इस बार? इस बार भाई साहब इसने एक डॉगी को फेंक दिया और मुझे भी इसने फेंक दिया भाई दूर। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा अजीब से घर में दोबारा से। यहाँ पर एक चेस्ट है, यहाँ पर एक चेस्ट। ये तो चल रही है यार, ये चेस्ट तो यहाँ पर चल रही है। ओ नूब, हे नूब यार, नूब भी आ चुका है यहाँ पर। नूब भी आ गाइस यहाँ पर। ओ शिट, इधर नूब को भी खा लिया, इसने इसको भी खा लिया। भाई मुझे मत खाना प्लीज प्लीज प्लीज। ओ की क्रीपर, ओए तूने डॉग, तू भी यार क्या कर रहा है यहाँ पर? ओ टॉम का है वैसे। ओ डॉग ने क्रीपर के बच्चे को ओ भाई सब क्या ही तो चल रहा है यहाँ पर। भाई उसके क्रीपर के बच्चे को इसने वहां फेंक दिया और उसने उसको फंसा भी दिया और वो क्रीपर जो है उसके मुंह में चला गया। और अब हम जा सकते हैं, हमारा रास्ता साफ हो चुका है। बट नहीं हुआ भाई, ये यार यही तो मॉन्स्टर था। ओ शिट, नीचे भी हमारे क्लोनर, क्लोनर भाई साहब। अब यहाँ से हम क्रीपर को भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ से, क्या होता है। भाई बंद करना यार, बंद कर बंद कर, जल्दी से देखने क्या होता है। अरे गाइस ये दो दो हो चुके हैं अब। गाइस यहाँ पर अब दो, गाइस अभी मेरे पास में एक प्लान है। अब हम यहाँ पर जाएंगे ना और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे और फिर हमारा इंतजार करते रहेंगे, है ना गाइस? ये मस्त प्लान है, ये मस्त प्लान है गाइस, देखते रहो देखते रहो। यहाँ से हम निकल चुके हैं और अब ये अंदर जाएंगे और अब ओ यार, अब हमने इनको कर दिया है बंद। हाँ भाई अब हम करते हैं इनको क्लोन और देखते हैं क्या होता है। ओ नहीं गाइस, ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया और इसने तो भाई तीनों को अपने ऊपर चिपका लिया। भाई साहब क्रीपर भी इतने सारे हो चुके हैं। क्रीपर भाई फट जाओ यार, यहीं पर फट जाओ यार, भाई फट जाओ, उसको मार दो जल्दी से यार, हमारी हेल्प हो जाएगी। भाई यार मार दो उसको। ओ शिट, मार भी दिया भाई। चलो चलो चलो, अब हमारा रास्ता हो चुका है साफ और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमारा ये वाला मॉन्स्टर भी जा चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे मॉन्स्टर की तरफ और यहाँ पर ये काला वाला मॉन्स्टर आ चुका है। ओ भाई साहब यार, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो वैसे तो माइनक्राफ्ट एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल गेम है, लेकिन कुछ स्कैरी सीट्स ने इसे बहुत ही ज्यादा स्कैरी बना दिया है। तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के तीन ऐसे सीट्स बताने वाला हूँ जो कि सही में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं और आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सीट की तरफ जो कि है डू नॉट स्लीप। जी हाँ, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कुछ स्लीप से रिलेटेड है। काफी प्लेयर्स इसमें जब सोते हैं तो वो वापस जब उठते हैं तो वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, एकदम नेदर पोर्टल की तरह, जिसमें बहुत ही अलग अलग मॉब्स आते हैं और डेवलपर्स का कहना है इसमें कुछ कोडिंग का एरर भी हुआ है। और इसमें बहुत ही ज्यादा तरह तरह के मॉब्स आते हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सीट की तरफ जो कि होने वाला है 1 2 3 4 5। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सीट है। लेकिन बहुत ही ज्यादा यूनिक भी है क्योंकि आप इसमें बहुत ही ज्यादा यूनिक यूनिक से स्ट्रक्चर्स देखने वाले हो, या फिर कह सकते हो बहुत ही ज्यादा स्कैरी स्ट्रक्चर्स देखने वाले हो, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। और गाइज इन सीट्स को आप जितने पुराने वर्जन में ट्राई करोगे इनके वर्क करने के चांसेस उतनी बढ़ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट सीट की तरफ जो कि होने वाला है ब्लडी। इसमें कोई भी एंटिटी या किसी भी तरह का क्रिएचर आपको नहीं दिखने वाला है, लेकिन सब नॉर्मल चलता रहेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको बहुत सारी जगह पर आपको इसमें रेड स्टोन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो रेड स्टोन नहीं, वो खून होगा। लेकिन गाइज ये वाला सीट बस जावा एडिशन के लिए वर्क करेगा। तो हाँ, यही थे हमारे तीन सीट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अच्छा समझ गया।